नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली न मिलने से नाराज दुकानदारों ने बिजली घर में की नाराबाजी और किया प्रदर्शन। दुकानदारों ने लगाए आरोप, पिछले एक महीने से ना मात्र मिल रही है बिजली, रोजाना होता है हजारों रुपए का नुकसान। दुकानदारों का काम काज पड़ा है ठप। आप देख रहे हैं पल पल रानिया से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि रानिया शहर के जीवन नगर रोड पर स्थित दुकानदारों को बिजली न मिलने से नाराज होकर वे बिजली घर में एसडीओ दफ्तर के आगे नारेबाजी भी वह प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने कहा कि गौशाला फीडर की लाइट न मिलने की वजह से और समय पर न मिलने की वजह से उनका कामकाज ठप पड़ा है और उनके कर्मचारी खाली बैठे हैं, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे दुकानदार छिंद्रपाल ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा पिछले एक महीने से नामात्र बिजली दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी दुकानों पर आया हुआ काम भी ठप पड़ा है। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कर्मचारियों का लाइन मैनेजमेंट व मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना लाइट काट ली जाती है और आम लोगों को परेशान किया जाता है। वहीं इस बारे में रानिया बिजली घर के एसडीओ सतीश कुमार ने कहा कि शहर की सिटी फीडर और गौशाला फीडर की लाइन का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, जिसके तहत नए ट्रांसफार्मर और इंसुलेटेड तारों का लगाया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिससे लाइट सप्लाई में थोड़ी परेशानी आ रही है। बिजली विभाग की तरफ से बिजली का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। जो भी है बंद पे है। साड़ी सरकार तो इको ही मांग है जी, सानू बिजली पूरी दिती है, जिसके कारण सानू बिजली दे होने दे का ही साड़े सारे काम होंगे। तो सानू 24 घंटे बिजली का कहती सी सरकार, सानू 24 घंटे छड़ 2 घंटे भी वर्कशापां नू लाइट नहीं मिल रही गई, ठीक है, जिसके कारण सारे दे सारे मजदूर वर्ग और मिस्त्री वर्ग वर्कशापां बंद पईआं ने। उसके कारण साडा जो भी कारोबार है साडा बंद पिया। ये महीने तो उपर हो गया जी, असी आने और सानू कह देंगे जी कि लैन चल रहा है, काम चल रहा है, अगर कोई लैन का काम चल रहा है उन्होंने बंद करके चलाया, सानू वर्कशापा लाइट पूरी दी जाए। दुकान पर 2-4 का कारीगर काम करते जी, एक तो वो मंदे लालचे वेले बैठे जी, दूसरे से लोगों के काम देने वो नहीं दे सकते, एक गर्मी की मार है, दूसरा ही बिजली विभाग वाले ने सानू बिजली नहीं दे रहे जी। साड़ी मंग है सानू पूरी जिन्नी भी साड़ी जरूरत है, दिन दिन असी वर्कशापा चलानी होंगे, सानू दिन दिन के अंदर पूरी वर्कशापा लाइट बिजली दी जाए। मेरा महेंद्र सिंह जी रानिया से, तो मैंने दुकान ले रखी है किराए पे जी और 2-3 मिस्त्री रखे हुए हैं। ये गवर्नमेंट बिल्कुल ही लाइट नहीं दे रही, पिछले 1.5 महीने से पता नहीं रिपेयरिंग कर रहे हैं या वैसे बंदू बना रहे हैं, लाइट नहीं दे रहे बिल्कुल ही। इसका समाधान किया जाए, ना लाइट ना आने की वजह से लगभग 1000 रुपये का डेली का नुकसान है जी, और ना ही काम दिया जा रहा जिनका काम देना होता है, आगे वो परेशान इधर हम परेशान जी। ये समस्या है जी, सानू बिजली पूरी नहीं दिती जाती गई, अज पूरे 1 महीना 25 दिन हो गए, 2 घंटे बिजली देंगे उस तो बाद कट कर देंगे, फिर 15 मिनट बिजली देंगे फिर कट कर देंगे, साढ़िया वर्कशापा बंद पईआं गर असी काम नहीं दे सकते गे, जिन्हां दे काम फड़े हुए उन्होंने काम नहीं दे सकते। सानू बिजली पूरी की जाए, साड़ी लाइट पूरी की जाए, आम लाइटा चल दियाँ, साढ़े वाला यह फीडर नहीं चल रहा है, साडा ये फीडर नू पूरी लाइट दी जाए जिनी इसकी हैगी। रानिया सिटी में IPDS स्कीम के तहत एक काम चल रहा है जिसमें इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, जिसमें नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, नंगे तार की जगह केबल लगाई जा रही है और 2 फीडर हैं फिलहाल यहाँ रानिया सिटी और गौशाला, इसकी दोनों फीडरों की बाइफर्केशन का भी काम चल रहा है। अब आगे से शेड्यूल के हिसाब से ही काम करेंगे, दिन में पब्लिक को बिजली ठीक मिल जाए इसके हिसाब से आज हम बैठ के इसका एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि भी पब्लिक का भी काम चल जाए और बिजली का भी काम ना रुके। इसमें पूरे शहर की इम्प्रूवमेंट हो रही है जिससे कि आगे पब्लिक को अच्छी बिजली मिलेगी, निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी। तो मैं अब आगे मैं पब्लिक से भी ये अपील करता हूँ कि पब्लिक भी सहयोग करे इस मामले में, जहाँ कोई पोल खड़ा होता है तो उसमें भी कोई रुकावट ना डाले, कोई रुकता है, कोई भी काम रुकता है तो उसमें परमिट का कुछ टाइम और बढ़ जाता है। और आगे से शेड्यूल के हिसाब से हम पेपर के माध्यम से पब्लिक को बताएंगे कि भी इतने समय से इतने समय तक बिजली बंद होगी, तो जिससे कि पब्लिक को भी इसमें दिक्कत ना हो और बिजली निगम का भी काम चलता है। शहर के अंदर 2 घंटे से 3 घंटे के का कट तो लगाया जाता है, जिससे कि HT के ऊपर जो बड़ी लाइन का काम जब चलता है तो उसको बंद करके ही काम किया जाता है, उसके छोटी लाइन पर जो काम करते हैं LT पे तो वो तो ट्रांसफार्मर काट के भी कर लिया जाता है, मगर बड़ी लाइन का काम HT का काम है वो परमिट लेके ही काम किया जाता है। और जो फर्म है इसको एक टारगेट दे रखा है, इसका भी एक टाइम फिक्स है
31 जुलाई तक इसको काम पूरा करना भी है। रानिया से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए पल पल लाइव टीवी चैनल।